अस्सलामुअलैकुम, आज मैं बना रही हूँ भुजिया। घर में बना रही थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। ये अब मैंने प्याज ब्राउन कर रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं आपको साफ होकर बता दी जाऊँगी, क्योंकि मैं बाकी काम भी कर रही हूँ तो मैंने कहा मैंने आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। बस बच्चों के साथ मसरूफ थी घर में, तो अभी मैं प्याज ग्राउंड कर रही हूँ। तकरीबन हो चुका है, बाकी मसाले जो हैं साथ डालती जाऊँगी, साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, नहीं साथ साथ मैं फटाफट आटा गूंदूंगी। 12:30 हो रहे हैं, 1 बजे तक मुझे खाना तैयार करना है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे मुझे फटाफट और झटपट खाना तैयार करती हूँ। फटाफट साथ साथ गरम गरम फुलके डालूंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लाइट आजकल होती नहीं है, सुबह 7 बजे लाइट आती है, 12 बजे लाइट आती है, 12 बजे पानी आता है, 1 बजे लाइट फिर से चली जाती है। लाइट का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है, आटा फिर ख़राब हो जाता है, वो फिर अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं करते फिर उसे। इसलिए मैंने कहा मैं साथ ही साथ जब खाना बनाऊँगी तो फटाफट आटा रेडी करके साथ ही रखूँगी। जब मेरा खाना तैयार हो जाएगा तो मैं रोटियां भी डाल दूंगी। बस मसरूफ थी तो मैंने कहा चले आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। बच्चे आजकल मेरे बहुत ज़्यादा बीमार हुए हुए हैं, अभी वो सोए हैं, तो मैंने कहा फटाफट मैं अपने खाने का काम ख़त्म कर लेती हूँ। खाना बनाना है आज मुझे, चुका है तैयार। अब मैं इसे ढक दूंगी और मैं चलूंगी अपने साथ साथ हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है। मैं फटाफट जाऊंगी और फ्रीज़र में से 3 अदद टमाटर लेकर आऊंगी और उन्हें पीस के अपने पास रखूंगी। जैसे ही मेरा प्याज ब्राउन होगा मैं इसमें टमाटर ऐड करके, बाकी मसाले ऐड करके, भुजियाँ ऐड करके ढक दूँगी। मैं टमाटर निकाल के ले आई हूँ फ्रीजर में से, अब मैंने पीस लूँगी। और यहाँ पर मेरा प्याज जो है वो तकरीबन होने ही वाला है। अब मैं अपने टमाटरों को जो है वो पीस लूँगी। ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैं घर में कैसे झटपट से खाना तैयार करती हूँ। ये देखें जी, ये टमाटर मेरे हो चुके हैं, ये मैंने फ्रीज किए हुए थे जब टमाटर 30 रुपये किलो थे, कि शायद 40 रुपये किलो थे। अब तो टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, आगे बढ़िए थे। ये देखिए झटपट से ये तैयार हो रहे हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए हमने इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रखूँगी ताकि ये जल्दी से गर्म हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही है। अब मैं थोड़ी देर कैप करके रखूँगी। ये मेरा प्याज हो गया है रेडी। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसमें सूखा धनिया ऐड करूँगी। और 1 teaspoon हल्दी पाउडर ऐड करूँगी मैं इसमें।
1 टेबलस्पून सूखा धनिया एंड 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक मैं हसबे जायका ही डालूंगी, आप अपने हिसाब से डालें जितना आपको ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, जब मसाले की खुशबू आना शुरू रहेगी तो उसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अपने इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स करके फिर थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक के रखूँगी। घी इस पर नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है और मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी धनिया। धनिया हमारे पास है तकरीबन 1 किलो। 1 किलो धनिया है और इसके साथ ये जो हरी मिर्चें हैं वो इसमें ही कटिंग की हुई हैं। मैं इसमें चम्मच नहीं चलाऊंगी, इसकी फ्लेम मैं थोड़ी सी हल्की करूंगी और जो टमाटरों का पानी था मेरे पास फ्रीज के लिए टमाटर थे, जो मेरे पास टमाटर का पानी था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। फिर मैं इसे कैप करके मैं आपको बताती हूँ, मैं इसे कैप करने के बाद इसे शेक करूँगी, इसे मजबूत करके पकाऊंगी, इसे शेक करके इसमें जो टमाटर का पानी था मैंने सिर्फ वो ऐड किया था और फिर मैं इसे रख दूँगी वापस। तो तकरीबन 2-3 मरतबा इस तरह करके मैं इसे रख दूँगी, हमारी पिंडियाँ हो जाएंगी तैयार। अब हम चलते हैं अपनी रोटियों की तरफ। रही यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी रोटियों की तरफ। अब मैं ये पेड़े बना के जो है वो रखती जाऊँगी और फिर साथ साथ डालूँगी गरम गरम फुलकियाँ। तकरीबन 1 बज चुका है, मेरा खाना तैयार हो चुका है, अब मैं फटाफट रोटियाँ तैयार करूँगी। भिंडियों में चमचा नहीं चलाना, चमचा चलाएंगे तो फिर वो टूट जाएंगे।
है। भिंडियों में हम चम्मच नहीं चलाएंगे, चम्मच चलाएंगे तो भिंडियाँ हमारी टूट जाएंगी। अच्छा जी, अब हम अपनी रोटियाँ बना लेते हैं। यहाँ पर हम भिंडियों का ढक्कन उठा के देख लेते हैं क्या हुआ इनके साथ, कहाँ तक पहुँचे। शेक करेंगे अच्छे से। ताकि ये जले ना, फिर मैं इसे कैप कर दूँगी। अभी ये बिल्कुल भी नहीं हुई, अभी इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा जब तक हम रोटियाँ बना लेते हैं। रोटियां तैयार कर दूंगी। अब इसके होने तक मैं अपनी दूसरी रोटी बेल रही हूं। ताकि ये सेब के साथ ही तैयार हो जाए, बन जाए। अब मैं अपनी दूसरी इस रोटी को उतार के दूसरी रोटी तवे पे डाल दूंगी। इस तरह फिर धुआं नहीं होता किचन में, जिससे तवे का धुआं धुआं सा बन जाता है, सारी किचन अंधेर नगरी बन जाती है, तो वो नहीं होगा। एक रोटी उतारी, दूसरी रोटी फटाफट बेल के ऊपर डाल दी। आटा भी मैंने अभी अभी गूंथ लिया था। लाइट बहुत ज़्यादा मसला करती है आजकल। रहीम, रोटियां हो चुकी हैं मेरी तैयार। अब मैं देखती हूँ अपने खाने को। माशाल्लाह, ये भी तैयार हो चुका है। चम्मच आपने बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है। भिंडियाँ भी हमारी तैयार हो चुकी हैं, देखें कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक बनी है। अब हम इन्हें सर्व करते हैं। रहीम, ये है हमारा सर्विंग बाउल। ज़बरदस्ती हमारी भिंडियाँ तैयार हैं, साथ ही हमारी चपातियाँ भी तैयार हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। साथ मैंने रेडी की थी जो चपातियाँ मैंने आपको बनाना बताई थी, मैं वो सर्व करूँगी। ये देखिए जी, हमारी ज़बरदस्त सी भिंडियाँ तैयार हैं। अल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी, हमारी ज़बरदस्त सी भिंडियाँ और चपातियाँ तैयार हैं जो मैंने आपको बनाना बताई थी। ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो भिंडियाँ थी, और सबसे पहले मैंने 1/2 किलो प्याज ब्राउन किया। जब वो ब्राउन हो गया, उसमें 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून हल्दी ऐड करके मैंने इस मसाले को अच्छे से भुना। जब वो भुन गया, उसमें मैंने टमाटर ऐड किए। टमाटरों को मैंने थोड़ी देर के लिए दम पे रखा। उसका पानी, टमाटरों का पानी भी खुश्क नहीं हुआ था, उनमें भी मैंने भिंडियाँ ऐड कर दी। भिंडियाँ ऐड करने के बाद मैंने इसमें चम्मच नहीं चलाया, इसे मैं हिलाती रही अच्छे से,
तो ज़्यादा चम्मच चलाने से जो है वो हमारी भिंडियाँ जो है वो बहुत हलवा बन जा। देखें बहुत ज़बरदस्त कड़ी कड़ी हमारी भिंडियाँ तैयार हुई हैं। अब मुझे देर वेरी हो रही है, मैंने खाना सर्व करना है, सब इंतज़ार कर रहे हैं दस्तरखान पे। चलिए जी अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई ज़बरदस्ती और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।